नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तजुर्बा ना तुम्हारा कम है ना हमारा, बात तो बस बेवक्त आने वाले वक्त और जिंदगी के सख्त बर्ताव की है। ऐसी ही आज की एक कहानी है जो आपको एक सीख देगी, हंसी मजाक में एक सीख देगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसी वक्त उस ट्रेन में उस डिब्बे में 4-6 यंग लड़के आ जाते हैं और शरारत करने लगे। एक ने कहा चलो जंजीर खींचते हैं, दूसरे ने कहा कि मुक्के से मैं कांच तोड़ दूंगा, लेकिन किसी ने कहा कि भाई जंजीर खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और 6 महीने की कैद भी हो सकती है। सब लोगों ने अपनी अपनी जेब में से पैसे इकट्ठे किए और 1200 रुपए तकरीबन इकट्ठे हो गए और एक दूसरे फ्रेंड की जेब में उस पैसे को डाल दिए और कहा कि चलो जंजीर खींचते हैं। लेकिन उसी वक्त एक दोस्त ने कहा कि भाई अपन जंजीर खींचेंगे तो यहाँ टीटी हवलदार कोई भी आ जाएंगे, हमें पकड़ सकते हैं। तो उन सब ने कहा कि ये बुजुर्ग जो खड़े हैं हम इनका नाम ले लेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जंजीर खींची, जंजीर खींचने के बाद पुलिस और टीटी दोनों आ गए और कहा कि भाई क्या हुआ है। तो सब ने एक ही स्वर में कहा कि भाई साहब ये बुजुर्ग व्यक्ति जो खड़े हैं इन्होंने जंजीर खींची है। तब वो सिपाही और टीटी ने उनसे कहा कि बाबूजी आपने ये जंजीर क्यों खींची है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। कि मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरी जेब में 1200 रुपए थे और इन लड़कों ने मेरे 1200 रुपए छीन लिए हैं, और ये जो सामने लड़का खड़ा है इसकी आगे वाली जेब में वो 1200 रुपए रखे हुए हैं। तो सब लोगों ने बड़े आश्चर्य से उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और तलाशी ली गई, 1200 रुपए निकल गए। सब बच्चों को पकड़कर पुलिस लेके जाने लगी और वो बुजुर्ग व्यक्ति को जब वो बच्चे घूमकर देखते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं बेटा ये बाल हमने यूं ही सफेद नहीं किए हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप भी याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में मत लीजिए। तजुर्बा बड़ा शानदार है, ये तजुर्बा आपके बड़े काम का भी हो सकता है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा अनुभव लिया करो, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभार अपने दादा दादी पिताजी बाऊजी बच्चों अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी पुरानी बातें सुनिए, उनको खुद बहुत अच्छा लगेगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये था आज का अवेकनिंग मंत्र। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।